चलिए बढ़ते आगे। जल ही तो जीवन है, यह तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस बात की गंभीरता को शायद बहुत ही कम लोग समझते हैं। तभी तो आए दिन पानी बर्बाद करते हुए लोगों की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन यह बात कितनी गहरी है जल्द ही लोगों को समझ में आने वाला है और लोगों को पता चलने वाला है कि पानी की क्या कीमत होती है। दिल्ली में उभरे जल संकट से तो आप वाकिफ होंगे, अब ऐसा ही जल संकट पूरे देश में अपनी आगोश में रहने वाला है। इसे लेकर केंद्रीय जल आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे सुनकर आपकी होश उड़ने वाली है। सदियों पहले रहीम जी कह गए थे, रहमन पानी राखी, बिन पानी सबसू, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष जो। मोती और चून का तो नहीं पता, लेकिन मनुष्य को अब पानी की कीमत का जल्द ही अंदाजा लगने वाला है, क्योंकि केंद्रीय जल आयोग की जो हालिया रिपोर्ट आई है उसे जानने के बाद आपकी चिंता तो बढ़ेगी ही, साथ ही आपको पानी की कीमत का अंदाजा भी लग जाएगा। दरअसल जल आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है कि देश के 150 मुख्य जलाशयों में पानी घटकर महज 21% रह गया है और इसकी वजह है बढ़ती हुई गर्मी। भीषण गर्मी ने जहां लोगों के पसीने छुड़ाए हैं, वहीं पानी के स्रोतों को भी सुखा दिया है, जिसका खासा प्रभाव गंगा नदी पर भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें शायद आज आपको ना डराएं, लेकिन आने वाले दिनों में यही तस्वीरें आपके डर का सबसे बड़ा कारण बनने वाली है। ये कानपुर की गंगा नदी है, गर्मी बढ़ती जा रही है, गंगा का जलस्तर घटता जा रहा है। इन दिनों कानपुर में गंगा अपने न्यूनतम जलस्तर तक पहुंच गई है और गिरते जलस्तर से पानी का संकट भी गहराने लगा है। कानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी का भारी कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से गंगा का जलस्तर भी डाउन होता चला जा रहा है। इस वक्त खड़े हम कानपुर के सरसैया घाट पर, आप देख सकते हैं जो सामने का घाट दिख रहा है उससे घाट की दूरी और जो वर्तमान में पानी का स्तर है उसकी दूरी की लगभग 30 से 40 फीट हो गई है। आपको बता दें कि हमेशा जो पानी रहता है अमूमन दिनों में गंगा के किनारे रहता है और घाट तक रहता है, लेकिन वर्तमान में जो पानी की स्थिति है वो आप देख सकते हैं कितना खत्म हो चुका है, क्योंकि इधर से उधर जाने के लिए अब आदमी को नाव का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जो गंगा का जल स्तर है पिछले 5 दिनों में 17 इंच गिर चुका है। जल स्तर में भारी गिरावट की वजह से जो पानी है वो बिल्कुल मटमैला हो गया है। गंगा किनारे रहने वाले नाविकों की चिंता भी बढ़ने लगी है। उनका कहना है कि एक तो श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हो गई है और साथ ही गंगा में पानी कम होने के चलते लोग बिना नाव के ही गंगा पार कर ले रहे हैं। घटते जलस्तर से कितनी परेशानी हो सकती है इसका अंदाजा प्यासी राजधानी को देखकर लगाया जा सकता है। यहाँ पानी की किल्लत ने आम जनमानस के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले जलाशयों की संयुक्त भंडारण क्षमता 178.784 अरब क्यूबिक मीटर है, जो देश की कुल जल भंडारण क्षमता का लगभग 69.35% है। लेकिन मौजूदा समय में इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण सिर्फ 37.662 BCM, जो उनकी कुल क्षमता का 21% है। संगम नगरी कही जाने वाली प्रयागराज, जहां 3 नदियों का मेल होता है, लेकिन यहां भी पानी की किल्लत मुंह बाकर खड़ी है। जलाशय सूख रहे हैं, लोग परेशान हैं, जल ही जीवन है इस लाइन की अहमियत को अब अच्छे से जान रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि देश भर के 150 जलाशयों में जो जल स्तर है, जो पानी की मात्रा है, वो लगातार घट रही है। हम इस वक्त प्रयागराज के संगम तट पर मौजूद हैं, गंगा के किनारे, और आप देखें तो गंगा एक पतली धार के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि अगर कुछ दशक पीछे जाएं तो जहां पर हम लोग मौजूद हैं यहां तक पानी हुआ करता था, और उसके पहले जाएं तो और आगे पानी हुआ करता था, लेकिन इस समय स्थिति यह है कि गंगा जो है इस मौसम में, खासकर गर्मी के मौसम में, एक पतली धार के रूप में नजर आती है, जो घाट से काफी दूर चली जाती है। तो बेहद चिंताजनक बात है। जो जानकार हैं वो कहते हैं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग है उसका असर हो रहा है, उसके चलते जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघल रहे हैं और बर्फ जो है पहाड़ों पर जो होती है
वो जब वहां पर मौजूद रहती है और वहां पर बनी रहती है तो उसका पानी लगातार नदियों और जलाशयों तक पहुंचता रहता है, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है उसके बाद से बर्फ तेजी से पिघली है और तमाम ग्लेशियर्स जो हैं वो टूट रहे हैं, ऐसे में ये समस्या पैदा होना उसी की एक वजह है। और जिस तरह से तमाम जो परियोजनाएं हैं, जो बांध बनाए जाते हैं, जो तमाम प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, उसके चलते भी जो पानी है उसकी मात्रा कम होती है। हालांकि जिस तरह से तमाम जलाशयों में जो मात्रा है वो घट रही है, उसकी बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है। तो हम गंगा नदी के तट पर मौजूद हैं और ये देखिए आप, हालात ये है कि गंगा दूर नजर आती है घाटों से और पतली धार जैसी हो जाती है। और जिस तरह से तस्वीर हमने देखी है, कुछ दशक पहले जाइए तो यहाँ से बहुत आगे गंगा की धारा बहती थी। नदियों का घटता जल स्तर अब डराने लगा है। बात करें देश के प्रमुख 150 जलाशयों की, तो इन जलाशयों की कुल क्षमता 257.812 BCM है, लेकिन इस समय इन जलाशयों में सिर्फ 54.310 BCM पानी बचा हुआ है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के आंकड़ों से बेहद कम है। अब आपको यूपी के आखिरी जिले सोनभद्र का हाल बताते हैं, जहां की मुख्य नदी रेहंद का जलस्तर 1.5 महीने में 2.25 फीट घट गया। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। यहां हर साल 2 से 3 मीटर जलस्तर कम हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में संकट के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद में कई जलाशय हैं, जिसमें रिहंद और ओबरा डैम प्रमुख रूप से जाना जाता है, और इस प्रचंड गर्मी का साफ असर इस पर भी देखने को मिल रहा है, जहां से पेयजल की व्यवस्था न केवल बल्कि सबसे महत्वपूर्ण में एक बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पर भी संकट छा सकता है। अभी तक की रिकॉर्ड तोड़ पड़ी गर्मी का असर साफ तौर पर जलस्तर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें के जिले सोनभद्र जनपद में कई जलाशय हैं, तो प्रमुख रूप से रिहंद और ओबरा डैम को जाना जाता है, जहां से बिजली उत्पादन होती है और न केवल यूपी बल्कि देश के और कई अन्य प्रांतों को भी रोशन करने वाले संस्थान में से एक है ओबरा परियोजना और रिहंद जलाशय। ये रिपोर्ट में बताया गया कि जलाशयों में मौजूद भंडारण बीते 10 वर्षों के औसत भंडारण से भी कम है। 2 सप्ताह पहले जलाशयों में कुल भंडारण करीब 22% था, जबकि उससे 1 सप्ताह पहले 508 BCM पानी उपलब्ध है, जो पिछले साल के मुकाबले 21% कम है। उत्तर भारत में भी जलाशयों का पानी सूखता जा रहा है। यहाँ कुल 10 जलाशयों में 19.663 BCM भंडारण क्षमता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 5.488 BCM पानी उपलब्ध है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 39% कम है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी पानी की किल्लत होने वाली है। इन राज्यों में कुल 23 जलाशय हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 20.430 BCM है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में मौजूदा समय में 3.873 BCM पानी उपलब्ध है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 1% बढ़ा है। पश्चिम के राज्यों में भी जल भंडारण घटता जा रहा है। 49 जलाशयों में 7.608 BCM पानी बचा हुआ है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 4% घटा है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन 4 राज्यों में कुल 26 जलाशय हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 48.227 BCM है, लेकिन यहाँ पिछले साल के मुकाबले 7% पानी कम होकर सिर्फ 12.185 BCM बचा है। जलाशयों में घटता जल बड़ी चिंता पैदा कर रहा है। शहर शहर जलकूप सूख रहे हैं, नदियों में पानी कम हो रहा है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बुंदेलखंड के कई जिलों में वैसे तो पानी की किल्लत बनी रहती है, लेकिन जल आयोग की रिपोर्ट के बाद बुंदेलखंड का हाल अब बद से बदतर होने वाला है। पानी की परेशानी बढ़ने वाली है, नदियां सूख रही हैं, जलस्तर नीचे जाता जा रहा है और लोग पानी की तलाश में मीलों दूर जा रही हैं। साल भर में 9 महीने पानी को तरसने वाला बुंदेलखंड अब और भी ज्यादा परेशानी में पड़ सकता है। जल आयोग की रिपोर्ट में बुंदेलखंड भी पूरी तरह प्रभावित दिखाई दे रहा है। बात करें बांदा जनपद की, तो लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। तालाब सूख चुके हैं और कुओं का पानी नीचे जा चुका है। मोहल्लों के हैंडपंप भी जवाब दे चुके हैं। हम इस समय मौजूद हैं केन नदी पर, जो
बांदा का मुख्य जलाशय माना जाता है और जनपद वासियों को इसी के नदी का पानी फिल्टर करने के बाद लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। आप देख सकते हैं ये नदी किस प्रकार से सूखी पड़ी है और किस प्रकार से इसके स्रोत धीरे धीरे करके टूट रहे हैं। हालांकि बरसात आने के बाद यह नदी आपको भरी जरूर दिखाई देगी, लेकिन गर्मी आते आते इस नदी के स्रोतों का टूटना शुरू हो जाता है और कहीं में कहीं उसका प्रभाव लोगों के उसमें पड़ता है, जिससे उनको पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। और आने वाली 4 महीनों की गर्मी में इस पानी से लोग त्राहिमाम मचाते हैं। नलों की बात करें तो नल सूखे मिलते हैं, कुओं का पानी खत्म हो जाता है और मोहल्ले बाई मोहल्ले एक एक टैंकर के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं, एक एक बाल्टी के पानी के लिए तरसने के लिए मजबूर होते हैं। बात करें कि जिस प्रकार से नदियों का जल स्रोत टूट रहा है, उसकी मुख्य वजह यह भी मानी जा रही है कि हैवी पोकलैंड मशीनों से यहाँ अवैध खनन किया जाता है, जहाँ जो मशीनें प्रतिबंधित हैं उन मशीनों से नदी की जलधारा के बीच से भी खनन किया जाता है। ये भी एक मुख्य वजह मानी जा रही है, जिससे नदियां सूखने को मजबूर हैं। और समय समय पर जो सफाई का पैसा सरकार द्वारा दिया जाता है, नदियों की साफ सफाई का जो पैसा दिया जाता है, वह पैसा भी पूरी तरह से इन नदियों में उपयोग नहीं किया जाता। थोड़ी बहुत काम करने के बाद उस पैसे को बंदर बांट कर लिया जाता है, जिससे इस नदी का जल स्रोत टूटना माना जा रहा है। बांदा जिले के कई हिस्सों में जलस्तर गर्मी के महीनों में बेहद नीचे चला जाता है और इसी की वजह से कुएं और हैंडपंप महल शोपीस साबित होने लगते हैं। बांदा शहर के किनारे बसे मोहनपुरवा, गोयरा, दुरेड़ी, अचरौड़ जैसे तमाम गांव हैं, जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी भरना पड़ रहा है। कोई वो गांव में तो आता नहीं है। तो बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कछुआ गति से चल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत अगर सरकारी फाइलों की बात करें तो 85% इस मिशन को पूरा कर लिया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले के 50% गांव ऐसे हैं जहां पर पानी पहुंच रहा है, लेकिन जमीन पर हालात इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। अभी योजना का काम चल रहा है, आपने इस समस्या से जानकारी दी है। समस्या जल जीवन मिशन का अभियान इसमें लगा हुआ है। बुंदेलखंड के चित्रकूट धाम मंडल की बात करें तो इस मंडल में 24 विकास खंड में से 13 ब्लॉक डार्क जोन क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल की कैटेगरी में आ चुके हैं। सूरज की तपिश बढ़ती है और जलस्तर नीचे चला जाता है। मजबूरी इस कदर बढ़ गई कि लोग मीलों दूर जाकर गंदे चूहड़ों और तालाबों से पानी लाकर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए मजबूर रहते हैं। वैसे तो बुंदेलखंड हमेशा से सूखे और पेयजल की कमी के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे में बात करें चित्रकूट जिले की, बुंदेलखंड का चित्रकूट, जहां के रामनगर और मानिकपुर ब्लॉक में आज भी दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पीढ़ियों से पेयजल की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। तमाम सरकारों ने इसके लिए जो है योजनाएं बनाई और पानी की तरह पानी की कमी को पूरा करने के लिए रुपया भी बहाया गया, लेकिन आज भी नतीजा उसमें शून्य है। हाल ही में केंद्रीय सरकार के द्वारा लागू की गई हर घर नल योजना भी वहां एकदम नाकाम साबित हो रही है। फिलहाल जिला प्रशासन टैंकर के माध्यम से वहां पे सप्लाई की लगातार व्यवस्था कर रहा है। चित्रकूट में जो वाटर की स्थिति है वो देश के जो अन्य शहर हैं उनसे कहीं हटकर ज़्यादा हटकर नहीं है, क्योंकि चाहे वो बेंगलोर हो या चेन्नई हो या दिल्ली हो, उसी तरह से चित्रकूट में भी अब आने वाले भविष्य में इस तरह की संभावनाएं बनने लगी हैं कि यहाँ का ग्राउंड वाटर भी खत्म होने जा रहा है और सरफेस वाटर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। देखिए मानिकपुर पाटन क्षेत्र में गर्मी के समय हैंडपम्प में वाटर लेवल नीचे जाने के कारण कुछ पानी की समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन और जो भी विभाग है लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। जल जीवन मिशन से हमने इस बार कुछ गाँव को सप्लाई स्टार्ट कर दी है और जिन गाँव में अभी काम चल रहा है कंप्लीट है वहाँ पे टैंकर से सप्लाई की जा रही है। हमारे उस क्षेत्र में अभी 30 टैंकर हैं जो सुबह शाम पानी की सप्लाई कर रहे हैं। चित्रकूट की लाइफलाइन कहे जाने वाली मंदाकिनी नदी का भी जलस्तर इतना गिर चुका है कि
कि नदी अपने असल रूप से बहुत छोटी हो चुकी है। साथ ही नदी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे पूरे शहर में मंदाकिनी नदी से होने वाली पानी की सप्लाई गंदी और दूषित पानी घरों तक पहुंच रहा है। बावजूद इसके अगर आम और खास लोग जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पुश्तों को पानी के लिए बड़ी आपदा झेलनी पड़ सकती है। चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुवीर। जी हाँ, तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की इस चौपाई में जिस घाट का उल्लेख किया है वो घाट चित्रकूट की लाइफ लाइन कहे जाने वाली मंदाकिनी नदी का घाट है। हम इस वक्त खड़े हैं इसी मंदाकिनी नदी के घाट पे, जहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार गिरते जल स्तर व उचित प्रबंधन न होने के चलते लगातार ये मंदाकिनी नदी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। आपको बता दें कि ये बजबजा रहा नदी में गंदगी का आलम और जल स्तर को देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चित्रकूट के इस मंदाकिनी नदी का दिन अब कितने ही शेष हैं। हाल ही में आई केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट और गिरते जल स्तर के चलते चित्रकूट में वो दिन दूर नहीं जब पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम होगा। ये संकट सिर्फ बुंदेलखंड या दिल्ली पर ही हावी होने वाला नहीं है, पूरा देश इस संकट की चपेट में आ सकता है। घटता पानी और बढ़ती परेशानी जल्द ही लोगों के सामने संकट बनकर खड़ी होने वाली है। जल है तो कल है, इस लाइन को सुनते और पढ़ते हुए सदियां बीत गई, लेकिन आज भी पानी को सुरक्षित करने के लिए इंसान नहीं चेत रहा है। और अब दुनिया के सामने मुंह बाए चला आ रहा यह संकट लोगों को जल की अहमियत को बहुत ही अच्छे से समझाने वाला है। टीम न्यूज़ स्टेट। सूबे में अवैध